सुहेल ने भी गाड़ी देने से मना कर दिया। अब किससे मांगूं गाड़ी? आदिल, आदिल, आदिल देगा मुझे गाड़ी। अरे यार फोन उठा यार। उफ, फोन क्यों नहीं उठा रहा? दोबारा करता हूं। फोन नहीं उठा रहा आदिल। कमाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहेल ने आदिल को बता दिया होगा कि मुझे गाड़ी की जरूरत है। कितना जहर भरा हुआ है लोगों के दिल में। गाड़ी क्या आ गई कि अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। कोई बात नहीं, मैं टैक्सी लेके जाऊंगा। वॉलेट तो घर ही भूल गया। क्या जोक सुनाया शाकिर भाई, घर जाकर तुम्हारी भाभी को जरूर सुनाऊंगा। मजा आ गया। जरूर ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वक्त आने दो तब बताता हूँ कि मजाक कैसे उड़ाया जा रहा है। और बताओ क्या कर रहे हो शाम को? फ्री हूँ। पहले कोर्ट जाता हूँ, फिर अस्पताल होते हुए दुकान पे जाऊंगा। ओहो कितनी देर हो गई, हमेशा लेट हो जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कितने मगरूर हैं, सलाम का जवाब भी नहीं दे सकते। पता नहीं किस हवा में रहते हैं। आपने देखा, एक इंसान गलत गुमान, assumptions, गलत विचारों की वजह से कितना चिड़चिड़ा हो जाता है। अब इन्हीं गलत गुमानों की वजह से बहुत सारे झगड़े भी होते हैं। जाहिर सी बात है, लोग ऐसे शख्स को नापसंद करने लगते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्ना ज़न्ना अक्ज़बुल हदीस। गुमानों से बचो, क्योंकि गुमान वाली बात सबसे झूठी बात। कुरान में अल्लाह ताला ने भी फरमाया सूरह हुजरात में, इन्ना बादज़न इस्म, बाज गुमान तो गुनाह होते हैं। अगर गुमान करना ही है तो अच्छा गुमान करना चाहिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। अरे फोन उठाओ यार आदिल, फोन ही नहीं उठाता। कमाल है। जल्दी उठाओ, बहुत जल्दी है। कट गया। कमाल, लगता है मियां रात को देर से सोए, यही वजह है जो फोन नहीं उठा रहे। खैर मेरा मिस कॉल देखेंगे तो इंशाल्लाह फोन जरूर करेंगे। मैं टैक्सी लेके चला जाऊंगा, वही बेहतर रहेगा। ओह वॉलेट तो मैं भूल ही गया, खैर घर जा चला। क्या जोक सुनाया शाकिर भाई, मजा आ गया। घर जाकर तुम्हारी भाभी को जरूर सुनाऊंगा। ये लोग भी कमाल हैं, जब देखो हंसते बोलते रहते हैं। अच्छा है। और शाम को क्या कर रहे हो? पहले कोर्ट जाता हूँ, फिर अस्पताल होते हुए दुकान पे जाऊंगा। ओहो कितनी देर हो गई, हमेशा लेट हो जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लगता है जल्दी में सुना नहीं होगा, वरना सलाम का जवाब जरूर देते।